आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ए और एन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारा ए और एन हमारे कहाँ यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो हमारा ए और एन कहाँ लगता है, इस टॉपिक पे हमारी बात थी। तो मैं आपको वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर भी देख के और समझ सकते हैं। तो हमारे जब एन कहाँ लगता है, हमारा एन लगता है जहां पर हमारे वॉवल्स होते हैं, और वॉवल हमारे फाइव होते हैं। यानी कि इन फाइव वर्ड्स के साथ हमारा सिर्फ एक चीज लगेगा और वो है हमारा एन। यानी कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि वॉवल कितने हैं। जैसे आपको ये याद होगा कि वॉवल हमारे पांच हैं, कि ए ई आई ओ यू है, फिर आपको ये याद रखना है कि उनके साथ हमारा एन लगेगा। क्योंकि फिर चाहे आप एप्पल लिख लीजिए, एग लिख लीजिए, आइस लिख लीजिए, ऑरेंज लिख लीजिए या अम्ब्रेला लिख लीजिए, इनकी स्टार्टिंग वर्ड है हमारी ए ई आई ओ यू। देखा आपने, तो इनके स्टार्टिंग वर्ड्स हमारे क्या है, वॉवल्स के हैं, तो इसीलिए इनके आगे एन लग जाएगा। एन एप्पल, एन एग, एन आइस, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। देखा आपने, हमको एन का यूज याद रखने के लिए, यानी कि एन कहाँ लगता है वो याद रखने के लिए हमको वॉवल पता होना चाहिए कि हमारे वॉवल कितने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको एन का यूज इजीली समझ आ जाएगी कि आपका एन कहाँ लगता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने ए की तरफ कि हमारा ए कहाँ लगता है। ए लगता है हमारे सारे कॉन्सोनेंट के साथ। और कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको एग्जांपल्स में बता दूंगी। इसके साथ लगते हैं हमारे ए, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट होता है हमारा से बी, तो हम बी से एक वर्ड लिख लेते हैं बैट, सी की कैट, डी से डॉग। तो ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं, बी सी डी, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट हैं। तो इनके साथ हमारा लगेगा अ बैट, अ कैट, अ डॉग, ठीक है। तो इसी तरीके से जितने हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन बी सी डी एफ जी एच जे के, ये सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, एल, तो इनके साथ हमारा वेरी सिंपली लग जाएगा ए। ए जग, अ काइट, अ लॉयन। तो आपको समझ आया, ए एन, एन हमारा लगता है वॉवल के साथ और ए लगता है हमारा कॉन्सोनेंट्स के साथ। यानी कि हमारे 26 अल्फाबेट ऑर्डर्स में से ए एन एन जो होता है हमारा फाइव वर्ड्स के साथ लगता है, जिनके स्टार्टिंग हमारी ए ई आई ओ यू से हो रखी हो। और ए यूज होता है हमारा तब जब हमारे कोई भी वर्ड की स्टार्टिंग हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड से हो। तो चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।